अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप दोनों क्या बनाना सिखाएंगी? गुड़ के चावल। हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। तो हम लोग किचन में चलें? जी झटपट चलें किचन में। ओके चलें जी, अब हम गुड़ वाले चावल स्टार्ट करें। हानिया तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप चावल जो हम उबाल लिए हैं, 2 कप गुड़, जितने चावल उतना गुड़। उसके बाद बादाम, घी है और थोड़ी सी सौंफ है। चलिए स्टार्ट करें हानिया। चलें रिदा, आप घी डालिए। रिदा ने घी डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब रिदा घी गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें गुड़। अब गुड़ डालिए रिदा। हानिया आप चमचा चलाएं, भारी है ना, हैवी है। अब स्पून चलाएं वो सामने। फौरन जैसे ही हमने गुड़ डाला है उसमें हम मिक्स करेंगे। मिल्क नहीं बताया हानिया आपने? ओ नो प्रॉब्लम, इसमें 1/2 कप मिल्क जाएगा। चले अभी आप चलाएं, चमचा चलाएं। मैं क्यों कहती हूँ नो, डोंट फाइटिंग। इसी के साथ हमने दूध भी ऐड करना है ताकि डिसॉल्व हो जाए गुड़ इसके अंदर। बिल्कुल कर हमने दूध, गुड़, दूध और चीनी, इसको हम हल करेंगे अच्छे से। ये देखिए अब गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है अच्छे से। इसमें हम ये देखिए बिल्कुल आप इसमें डालें थोड़ी सी सौंफ, 1 टेबल स्पून सौंफ। अब हम इसमें डालेंगे बादाम, छिलका उतार लिया है इसका। ठीक है, झटपट रेसिपी है, झटपट बहुत इतना ड्रामेबाजी कर रही है। ये देखिए अब इसमें सौंफ की जरा सी खुशबू आ जाए तो हम चावल ऐड कर लेंगे। बादाम का छिलका उतार के डाला है। आओ चावल डालो, बस 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 ये स्टार्ट करेंगे राइस। चल बस हानी अब रिदा डाल देंगे। ये हमने डाले, अब हम इनकी आंच पे गोल तोड़ देंगे। ज़्यादा चलाना नहीं है चावल को। अब हमने इसमें चावल डाल दिए हैं, इसको दम पर रखेंगे। अब हम चूल्हा 15 मिनट्स के लिए दम पर रखेंगे और फिर सर्व करेंगे इंशाल्लाह। अब हम 15 मिनट बाद खोलेंगे अपना दम। इतना शौक हो रहा था हमने को। ये देखें इसमें हमने थोड़ा सा नारियल छिड़का था। ये देखिए बिल्कुल चावल हमारे बेहतरीन से बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो चुका है। ये देखें मज़ेदार। चलिए अब आप स्टार्ट करें टेस्टिंग करके बताएं। रिदा आप निकाल दें हानिया को। वेरी नाइस। चलिए अब आप बताइए कैसा बना है। रिदा आप भी खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा हानिया? यम्मी है ना? हॉट तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है? हॉट तो खाना चाहिए, तो भूख नहीं मारते, भूख नहीं, ठंडा हो जाएगा फिर खा लेंगे। ठीक है, खाने पे भूख। तो ये डिश आप लोगों को अच्छी लगी ना? तो बहुत आसान रेसिपी है और झटपट बन जाती है। अपने घर में खाएं, बनाएं और फिर खाएं। स्पीड में बन जाता है, झटपट बन जाती है ना। चल अब अल्लाह हाफिज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।